काय बिग शो देख रहे हैं अब माजी सरपंच 2022 टोलनाका क्रिकेट ग्राउंड से प्रणीत आपको आ गया ना मैन ऑफ द मैच के लिए, और हमारे तमाम स्पॉन्सर जो मैन ऑफ द मैच के उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और चेतन पाटिल की जबान की कीमत रखी है भाभे सर ने, और आज हमसे जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में। माननीय श्री सुभाष गवाले साहब के शुभातों से हमें ट्रॉफी देने वाले जो हमें स्पॉन्सर किया है कल्पेश घागस, साथ ही साथ संकेत गवाले की तरफ से जो रॉयल सलून के प्रोप्राइटर उनकी तरफ से जो वैक्स है वो भी आपके शुभातों से देना है माननीय श्री सुभाष गवाले साहब। माननीय श्री रविंद्र भोईर साहब से निवेदन करता आपको कैप देना है जो हमें शैलेश पाटिल, साथ ही साथ भिवंडी की पहले पड़गा बोडोली का नाम लिया था। नक्कीच अपन जर विचार केला तर भिवंडीला क्रिकेटची पंढरी म्हणतात, परंतु सगळ्यात जास्त सितारे कुठे घडले असतील तिथे पीटीसी मध्ये एकापेक्षा एक सितारे या बिल्कुल प्रथमेश को मोर्चे पे लगाया है क्रून एंड से, हल्की छोटी बैकलिप से गेंद को ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ पे एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं स्कोर। दलेपाड़ा 933 का 7 रन। सुधार ये बताइए कि वार्लीपाड़ा ने 65 बनाए, और वैसे भी पड़गा और उसके परिसर का टेस्ट सबसे अलग है। खूपच चांगलं आयोजन नियोजन नक्कीच पीटीसीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं, या वर्षीची पहिली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। यस पीटीसी में पहला टूर्नामेंट है, इस मार दबा फ्लिक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, मौका भी दिया और चौका भी दिया, 4 रन। चंडू बाउंड्री लाइन च्या बाहेर 4 धावा, धाव संख्या 12 रनों पे पहुंचा है स्कोर। फुल टॉस फिर बीमार, ये गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं कर पाएगा, दो बीमार गेंद कर चुके हैं। विकाची डोई फुले तोलना के वच्चे डॉक्टर आमचे परंतु जुड़ले गेले त्यांचे देखील हार्दिक स्वागत वेलकम। आपणास विनंती असेल का आपण मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचे, आपलं हार्दिक स्वागत। अभी देखिए बीमार की प्रथमेश ने नया गेंदबाज आया है, और इसे कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई, करे लल्लू और भरे कल्लू। अपना मंगिया ऑनलाइन से जुड़ चुके मंगेश पाटोले, आप सुन रहे हैं कि मैं भी चेतन पाटिल की दोस्ती में यहाँ पर एक मैच कर रहा हूँ, स्वागत है आपका। दोन नो चेंडू टाकले बीमार चेंडू गेले, त्यानंतर मात्र नवीन गोलंदाज अथर्व गोलंदाजी मार्ग पर अपने पहाय मिलते हैं। दुसरे षटक प्रगति पथावर असताना धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या 13 वर जाऊन पोहोचले, त्याच्यामध्ये प्रशांतच्या बॅटमधून दोन चौकार आले। खेल की शुरुआत होती भी उनकी जगह पर गेंदबाज अतरवा, इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद सरक रही है, दूर से थ्रो आया है, 2 रन। देखिए दलेपाड़ा 933 को पता है कि उनको एक अच्छा टोटल रखना होगा, क्योंकि जिस टीम में प्रतीक विषय हो वो टीम प्रीकॉश रहती है। नक्कीच, म्हणून तर तुम्हाला एक लढाई लढायची असेल तर तेवढा स्कोर तुम्हाला पहिल्या डावामध्ये जमा करावा लागेल। आतापर्यंत प्रशांत आणि मनीष चांगली बॅटिंग करतोय, दुसरे षटक प्रगती पथावर आहे, राईट आर्म ओवर द विकेटने या बेले समोरच्या दिशेने डाऊन टू ग्राउंड उडवलंय, दोन क्षेत्ररक्षक येतात, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय, मात्र दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न होतोय आणि दुसरी धाव दरम्यान पूर्ण होते। प्रकारची विकेट गमावली नाहीये बॅटिंग करत असताना, एकच फुट 933 दलेपाडा संघाने, धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या दुसऱ्या षटक प्रगती पथावर असताना जाऊन पोहोचली 17 या अंकावर। स्ट्राइक वर प्रशांत, या बिल्ले सुडवला एक्स्ट्रा कवर रीजन मध्ये डीप मधून शतरक्षक येईल, उंची गाठली होती मात्र अंतर गाठता आलं नाही, जोपर्यंत फिकी होते तोपर्यंत येतील प्रशांतच्या खात्यामध्ये अजूनही 2 धावा। सुरुवातीला पहिल्या ओव्हर मध्ये जर आपण विचार केला सिद्दीक सर, एक चौकार आला होता, दुसऱ्या ओव्हर मध्ये देखील एक चौकार आलाय, त्यानंतर 3 वेळा डबल धावा आपल्याला पाहायला मिळतात बॅटर प्रशांतच्या माध्यमातून। देखिए मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है,
डबल रन जब भागे जाते हैं तो ये बताता है कि बैट्समैन में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। इस बीच अगेन मिस टाइम स्ट्रोक है, वाइडिश मिड विकेट से खिलाड़ी पहुंचे हैं एक रन आता हुआ। मराठी मध्ये म्हटलं जातं ना की थेंबे थेंबे तेले सचे, त्याच पद्धतीने सिंगल आणि डबलला क्रिकेट मध्ये खूप महत्त्वाचं स्थान आहे। दोवर की समाप्ती, दलेपारा 933 के रन बने हैं 20 बिना किसी विकेट के। आप देख रहे हैं 45 स्पोर्ट दलेपारा और वन मैन शो गोल्डन मैन चेतन पाटिल स्पॉन्सर माजी सरपंच चषक की दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। परशुराम गवाले आमच्यापर्यंत जोडले गेले, त्यांचं देखील वेताल स्पोर्टच्या वतीने हार्दिक स्वागत। आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचंय। सिद्दीक सर, पहिला जर विचार केला तर पहिल्या ओव्हरमध्ये पॉवरपिच ओव्हरमध्ये प्रत्येक विषयाने फक्त 6 धावा खर्च केल्या, खूपच चांगली गोलंदाजी केली। दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 1 चौकार, त्यानंतर 2 बिमर चेंडू आणि 14 धावा खर्च केल्यात। महागडे षटक, खर्चिक षटक आपल्याला पाहायला मिळालं अथर्व आणि प्रतिमेच्या माध्यमातून। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए श्री गणेश वाफाले बी टीम की तरफ से बुलाया गया है। गेंदबाज जयेश को हैट्रिक गेंद है उनकी, नहीं एक ही मैच में अगर आप 2 ओवर में हैट्रिक करते हैं तो हैट्रिक होता है, पहले मैच में नहीं। और इस तरह का हैट्रिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कपिल देव और वकार यूनुस के नाम है। ऊपर लगी है, मिस की हुक शॉट है, शॉट फाइन लेग पे खिलाड़ी है, एक रन आता हुआ। नक्कीच त्या ठिकाणी हुक करण्याचा प्रयत्न केला, बॅटची आउटसाइड एज लागली, चेंडू हवेमध्ये होता, क्षेत्ररक्षक नव्हता, शॉट फाइन मध्ये, तोपर्यंत एक सिंगल धाव। खेल की शुरुआत होती भी जयेश टोल नाका एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन मनीष। विकेट नहीं गिरा है, ओ बढ़िया गेंद, अतिरिक्त पेस अतिरिक्त उछाल, गुड लेन पे पिच होने के बाद बैट्समैन के अरमान और बल्ले दोनों को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास। देखिए कमेंटेटर आदित्य जाधव एक ऐसा नाम है, अजय घरत के बाद इस कमेंटेटर ने नबील दिवकर, अजय घरत, आदित्य जाधव, शाहिद खान, ये वो कमेंटेटर हैं जिन्होंने हिंदी में कमाल कर दिया। इस मरतबा एज लगा है और पहला विकेट आता हुआ, दूसरी कोशिश में कैच को पकड़ा है। तर परशुरामजी गवाले दलीपाडचे ज्येष्ठ नागरिक आमच्याशी जोडले गेले, त्यांना विनंती असेल का आपलं हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम। आपणास विनंती असेल का आपण मुख्य व्यासपीठावर येऊन आमच्याशी जोडायचंय। तर चर्चा सुरू होती समालोचन कक्षाची, त्यानंतर आपण भिवंडी सिटीचा विचार केला, तर पहिले नाव सिद्दीकजी भावे, त्यानंतर सुभाषजी धुमाल, डॉक्टर गवली सर, अजय घरत, असे कित्येक सितारे, कित्येकांचा आवाज आपल्यापर्यंत येत असतो। त्यातील एक मोठा सितारा, मोठं नाव, पडगा बोरिवलीचा आवाज म्हणजे टाईस व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीकजी भावे सध्या समालोचन कक्षामध्ये या मॅचचा आनंद घेत असताना आणि सर्व धावतवर्णन आमच्यापर्यंत पोहोचवताना आपल्याला पाहायला मिळतील। 21 रन नए बॅट्समॅन समीर बल्लेबाजी को आहे। धूप खिली हुई, हल्की हवा मैदान पे चल रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखना ये कि विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए जयेश, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ क्या छूटा है मेरे ख्याल से। ये देखिए आप जाकर बैट्समैन रन आउट, एक गेंद पे आप 2 बार नहीं बच सकते। नक्कीच बॅटची एज लागली होती, त्यानंतर तिथे कॅच सुटली गेली विकेट कीपरच्या माध्यमातून, त्यानंतर मात्र खूपच चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, रनआउटच्या रूपाने विकेट प्राप्त झाली, स्वतःच्याच पायावर दगड मारले असंच म्हणावं लागेल। नए बॅट्समॅन बल्लेबाजी को जा रहे हैं दलेपारा 933 की तरफ से साईनाथ। अभी भी वो टोटल नहीं है जो दलेपारा के कैप्टन देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रतीक विषय एक ऐसे बैट्समैन है ये 2 ओवर क्रीज पे रह गए तो काम तमाम कर देंगे, लेकिन क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आनी तर नहीं सालत, किंतु परंतु का तो सवाल नहीं उठता। और 2 पे ये दूसरा विकेट, लेकिन हैट्रिक नहीं होगा क्योंकि पहला बैट्समैन रन आउट हुआ है। नक्कीच जशी तुम्ही चर्चा केली की जर आणि तरला क्रिकेटला जागा नसते, मी या क्रिकेटला शरडाचं स्वरूप देतो, गिरगिट। ज्या पद्धतीने शरड प्रत्येक वेळेस रंग बदलत असतो ना, त्याच पद्धतीने प्रत्येक वेळेस सामना बदलू शकतो, प्रत्येक वेळेस काहीतरी वेगळी गोष्ट, वेगळी कहाणी या क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, म्हणून क्रिकेट पाहायला प्रेक्षकांची गर्दी असते। क्रिकेट ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम नाही रहता, इतना फनी, इतना ग्लॅमर तो ना ये क्रिकेटर्स रहते, ना ये टूर्नामेंट्स रहते, ना आप रहते, ना मैं रहता।
जयेश, दूर से खेलने की कोशिश, बढ़िया ओवर खत्म किया जयेश ने। तीन ओवर की समाप्ति के बाद काफी नाजुक स्थिति हम कहेंगे दलेपाड़ा 933 की, 21 रन और 3 विकेट। यानंतरची मॅच असेल आवाज करून आणि त्याच्यानंतर वाफाले ए। आपण पहिला डाव संपल्यानंतर टॉच बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचे, दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। आवाज करून आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये जय गणेश वाफाले ए। आज 12 टीमें आज के शेड्यूल में है। ओम 11 कुरुंद, दलेपाड़ा एसएससी पड़गा, वाफाले बी, आवाज कुरुंद, जय दुर्गा वाफाले ए, कोशिंबी वार्लीपाड़ा, साथ ही साथ देवा स्पोर्ट्स, देवली लाइन ऑफ देवा और वावली, ये वो टीमें जो आज एक्शन में नजर आ रही है। अपन या ठिकाणी एक सन्मान आणि सत्कार करणार आहोत। विकास जी डोई फूड यांचा सन्मान आणि सत्कार केला जाईल। चेतन पाटील यांना विनंती असेल आपण आपल्या शुभाशीषांचा सन्मान आणि सत्कार करायचे। इस मरतबा ड्राइव के आउटफील्ड में एक रन मिसफील्ड हुआ है, इस बीच दो रन बना लिए बैट्समैन ने। डेथ ओवर चलता हुआ, कुल स्कोर है 23 रन 3 विकेट, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। वैताल स्पोर्ट दलेपाड़ा और गोल्डन मैन आप तक लाए चेतन पाटिल, माजी सरपंच चषक, गेंदबाजी के लिए आकाश दूर वाले छोर से प्रशांत के लिए। इस मरतबा ऑन दी राइस खेला है, काउ कॉर्नर में खिलाड़ी हैं, एक रन आता हुआ स्कोर 24 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रशांत पैरों से टकराई, अच्छी गेंद थी लेकिन रन चुराते हुए बल्लेबाज अच्छा बैकअप, एक रन और आता हुआ स्कोर में 25 रन 3 विकेट, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट सो फार। एंड यू आर वॉचिंग माजी सरपंच कप कम्स टू यू फ्रॉम गोल्डन मैन चेतन पाटिल एंड वैताल स्पोर्ट दलेपाड़ा। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया वहां पर, बढ़िया गेंद कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के, गुड आफ्टरनून कहती हुई बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल गेंद में था। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके फोर्स किया है लॉन्ग ऑन की जानी, एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। रन के लिए काफी अग्नि परीक्षा ली जा रही है। शॉर्ट गेंद हुक करने की कोशिश, डॉट गेंद, इस तरह कुल मिलाकर 26 रन हुए, 27 रनों की चुनौती रखी है। चलते हैं अगले टॉस के लिए आदित्य जादव के पास। यस गायकोट सर हैं। धन्यवाद भाबे सर। आइए दोस्तों अगले टॉस के लिए हम बढ़ रहे हैं। जय गणेश वाफाले ये बनाम आवाज कुरुन के बीच में मानी श्री परशुराम गवाले साहब, आपसे निवेदन करता हूँ आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। सिक्के के बारे में आपको बता दे चूँ, एक तरफ वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा और एक तरफ माजी सरपंच। टॉस होता हुआ माननीय श्री परशुराम गवाले साहब के शुभातों से, और टॉस को जीता इस वक्त सुदर्शन काठोले ने। माननीय से निवेदन करता हूँ आपको वीआईपी मंच पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है। देखिए सुदर्शन अपने टॉस जीता, इम्पोर्टेंट मैच है आपके सामने, आवाज कुरुन जैसी एक मजबूत टीम है, क्या करना चाहेंगे? पहले क्षेत्र रक्षण गेम, इसके पीछे क्या रीजन है? आपकी गेंदबाजी मजबूत है या फिर आप चेस करना पसंद करते हैं?
चेस करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्कोर डिपेंड नहीं होता, मतलब चेसिंग आसान रहता है इधर। या सर, सुभाष मोरे ने जो पिछले मैच में गेंदबाजी की थी उनके लिए कुछ गेम प्लान? वो मैदान में देखेंगे। ऑल द बेस्ट सुदर्शन। मेरे साथ सुभाष मोरे, की ऑफ सक्सेस, जिन्होंने पिछले मैच में एक और एक रन और एक विकेट। टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था? बिल्कुल था। टॉस जीते तो आप क्या करते? पहले फील्डिंग ही करते। लेकिन आपको बल्लेबाजी की दावत दी है, चार ओवर का मुकाबला है, वाफाले ए टीम एक मजबूत टीम है, उनके सामने आप खेलने, चार ओवर में कहां तक जाने की कोशिश रहेंगे? 45 प्लस तक जाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट सुभाष मोरे। फ्रॉम द टॉस बॉक्स सुदर्शन काठोले वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। आइए दोस्तों, इनिंग की शुरुआत होने वाली सेकेंड इनिंग की, और माइक्रोफोन पर वो कमेंटेटर है जिन्होंने कई कमेंटेटर्स बनाए पड़गा परिसर में, और टू भाभे सर। बहुत शुक्रिया आदित्य जाधव। दोस्तों लौट चलते हैं, माजी सरपंच चषक के अद्भुत दुनिया में स्वागत है आप सभी का, वैताल स्पोर्ट दलेपाड़ा और गोल्डन मैन चेतन पाटिल की तरफ से। लक्ष्य 27 का, दोनों ओपनर बीच मैदान पर, प्रतीक विषय और उनके साथ आकाश। गेंदबाजी के लिए दलेपाड़ा 9333। आप कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपके हमारे सबके सर गायकॉट सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद भावे सर। महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, आम्हा सर्वांचे गुरुवर्य, मार्गदर्शक, समालोचक सिद्दीक भाभे सर, या स्पर्धेला चांद तारे ज्या पद्धतीनं चार चांद लग्ना कहा जाता है, सिद्दीक भाभे सरांची उपस्थिती आणि निश्चितपणे या स्पर्धेला एक रंगत संगत लाभलेली आहे। साईनाथ मोर्चे पे लगाए गए हैं, आपका बड़कपन है गायकॉट सर, हमेशा हर कमेंटेटर को इनकरेज करते हैं, और यही बात है कि उनको इतना बड़ा व्यक्ति कहा जाता है। पहली गेंद इस मरतबा कट किया, हवा में जरूर है लेकिन गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। अतिशय देखना प्रहार, बैकफुट वरती जात ज्या पद्धतीने कवर का फटका खेळला गेला, चार धावे स्वतः संघाच खात खोल गेले। बाबे सर एक दमदार प्रारंभ आपल्याला पाहायला मिळतोय, वेल बिगिनिंग हाफ डन म्हटलं जातं आणि चांगला प्रारंभ आणि शुभारंभ आपल्याला पाहायला मिळतोय। एक्झॅक्टली, पीटीसी का ये पहला टूर्नामेंट है। इस मरतबा तान दिया आसमान में, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट हो गया आकाश, आकाश में खेलते हुए। पहला झटका फटका बसतो, चुकीचा शॉट सिलेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतो, पहिल्या चेंडूवरती चार धावा मिळाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने स्ट्राइक रोटेट करणं, हे तर क्रिकेटर आपण जेव्हा पुढे जायचं असतं, मोठं व्हायचं असतं आणि आपल्या संघाला जेव्हा विजयी करायचं असतो तेव्हा गेम प्लॅन तुमच्याकडे असणं फार गरजेचं आहे आणि त्यासाठी शांत डोक्यानं क्रिकेट खेळणं हे फार महत्वाचं असतं। नए बॅट्समॅन बल्लेबाजी को आ रहे हैं, विपुल जो स्ट्राइक लेंगे। आईसीसी ने 1 अक्टूबर 2022 को ये रूल लाया कि जब बैट्समैन आउट होगा तो नया बैट्समैन स्ट्राइक लेगा। सन्मान्य संदीप काटोळे साहब यांचं आगमन झालं, आपलं मनपूर्वक स्वागत। इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई, अटपटे अंदाज से पुश किया गेंद को, एक रन। गेंदबाज का बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है, मानो थोड़ी देर के लिए लग रहा हो कि भिंगड़ी घुमा रहे हैं, उसके बाद गेंद को छोड़ते हैं। निश्चितच एक आगळ्यावेगळ्या ढंगाची गोलंदाजी, पाच धावा दरम्यान संदीप पाटील। इस तरह के गेंदबाज को पढ़ना मुश्किल होता है। इस मरतबा फोर्स किया, शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम, एक रन आता हुआ। सहा धावा धाव बलकावरती झळकल्या जातात। संदीप पाटील व्यवस्थापक टोल नका पडगे यांचंही या ठिकाणी आगमन झालं, आपलं मनपूर्वक स्वागत। 6 रन हुए, 4 ओवर में लक्ष्य है 27 रनों का। स्वीप लगाने की कोशिश, दूसरे मोहल्ले में गेंद वाइट, एक रन आता हुआ, 7 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए गायकॉट सर, आप कितने भी नींबू खा ले दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होते, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए उनके आंखों में आंखें डाल के बात करना होती है।
इस मार दबा बढ़िया स्लॉग स्वीप गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर हाई एंड सम छह रन उजवीकडे शप्पल होत चेंडू एसटीचा रोखा आला होता दडोगे हातामध्ये गदा पकडलेली हनुमानाची आणि एक जोरात मोठा फटका खेळण्यासाठी गदा भिरकावून देईल आणि त्या पद्धतीने फटका खेळला गेला बॅकवर्ड डिस्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात चेंडू सीमारेषा पार षटकार जातोय संदीप घागस यांना विनंती करतोय आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे संदीप घागस 13 रन हो चुके हैं एक विकेट गंवाने के बाद कमाल का शॉट खेला छोटा पॉकेट बड़ा धमाका स्टेज मजबूत है संदीप काही टेंशन घेऊ नकोस ये इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है गेंद को छोड़ दिया था वहां पर डॉट गेंद एक ओवर की समाप्ति पॉजिटिव रिप्लाई वफले बी का कुल मिलाकर 13 एक विकेट संदीप गागस आपण मंचावरती यायचंय निश्चितच 13 धावा धावपळकावरती विजयासाठी 14 धावांची गरज आहे अतिशय सुरेख सुंदर अशा पद्धतीनं स्पर्धेचं आयोजन नियोजन पाहायला मिळते बाबे सर दोन्ही बाजूनी गोलंदाजी केली जाते म्हणजे कुरुंद यांकडनं गोलंदाजी होते टोलनाका यांकडनं गोलंदाजी होते वर्तुळ आकृती मैदान आहे आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पूर्णपणे पालन होईल समोर स्क्रीन सुद्धा आपण ब्लॅक पाहतोय म्हणजे एक चांगला दर्जेदार अशा पद्धतीचं खेळाचं प्रात्यक्षिक सादर करता येईल असं मैदानाची सजावट आहे सोबतीला ट्रिपल एचच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण आहे क्लीन अँड क्लिअर अशा पद्धतीचं प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळते आणि समालोचन कक्षात सिद्दीक भाबे सर म्हटल्यानंतर ही स्पर्धा 100% नव्हे 200% यशस्वी झाली असं म्हणायला हरकत नाही खेल की सुरुवात होती भी गेंदबाजी के लिए दूरवाला छोर जो कि कुरुंद एंड है वहां से मोनिस को बुलाया गया सामना करें मनीष को सामना करेंगे प्रतीक विषय हार्ट ऑफ पीटीसी स्विच हिट किया है कोई मौका नहीं बीमर गेंद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन करेला ऊपर से नीम चढ़ा स्कोर में 5 रन आते हुए निश्चितपणे आधीच दुष्काळ धावांचा होता आणि त्यामध्ये अशा पद्धतीने जर का अवकर्षण केलं जाईल गेंदबाजांना गेंदबाज को देखिए बाद में बैठ गए कहते हैं कि दूध से दही एक बार बन जाए तो फिर दही से दूध नहीं बनता है फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है 6 रन बूम बूम 6 फिर नो बॉल ये मैच में दूसरे गेंदबाज हैं जो दो बीमर फेंक के बाहर चले गए ऐसा कभी कभार होता है लेकिन मेरे इतिहास में तो मुझे याद नहीं पड़ता है कि एक मैच में दो गेंदबाज बीमर करके बाहर गए हो हा विक्रम पण तुमच्या आता विक्रमाच्या बुकामध्ये नोंद होईल एकाच सामन्यामध्ये दोन गोलंदाज म्हणजे स्पर्धी आणि प्रतिस्पर्धी त्यांच्याकडनं बीमर चेंडूंचा समावेश झाला आणि दोन्ही गोलंदाजांवरती बँड आलेले आहे सामन्यापुरता दोन धावा विजयापासून दूर आहे जयगणेश वाफाळे बी संघ खेल की शुरुआत स्विच हिट करने की कोशिश गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे गई है 1 रन 4 रन एक ही रन कितने चाहिए 1 रन चाहिए दोन्ही संघांची धावसंख्या समान एका धावेची गरज आहे विजयासाठी जगणेश बी वाफाळे संघाला इस बीच गेंद और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है मैं विशेष धन्यवाद करूंगा गोल्डन मैन केतन पाटिल आपकी दोस्ती में एक मैच के लिए जरूर मैं आया मेरे सर गायकवाड सर आदित्य जाधव आपको शुभकामनाएं कमेंटेटर सुतार और पूरे पड़गा पीटीसी को तमाम टीमों को इसके साथ ही क्योंकि आज मुझे लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में जाना है मनकोली फिर से मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं इट्स ओवर टू गायकवाड सर धन्यवाद या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू जयेश विशे एक धाव देत दोन गडी बाद केलेले आहेत दरम्यान निश्चितपणे अतिशय सुरेख सुंदर अशा रीतीने कामगिरी करत सन्माननीय बाबे सर यांचं आम्हाला नेहमीच मार्गदर्शन लाभलेलं आहे आणि वेळात वेळ काढून ते इथे हजर झालेले आहेत
मान्यता मैं जी ट्रॉफी आप प्रदान करना आहोत जी ट्रॉफी आम लाभलेली आहे कैलासवासी बालचंद्र शिवराम गागस यांच्या स्मरणार्थ श्रीयुत कल्पेश बालचंद्र गागस यांच्याकडून ती ट्रॉफी रुपेश वेखंडे यांना विनंती करतोय आपण सन्माननीय सिद्दीक भाबे सर आइए दोस्तों उस शख्स का स्वागत और सम्मान करने वाले जिन्होंने थाना जिला का क्रिकेट एक अलग जगह पे लेके गया अपने आवाज से चेतन पाटिल की शुभातों से दी वॉइस ऑफ थाने सिद्दीक भावे सर का स्वागत और सम्मान होता हुआ शाल गुलाय मोहब्बत और सम्मान चिन्ह देकर जिन्होंने कीमती समय हालांकि सुबह में 5 बजे घर आने के बाद फिर चेतन पाटिल के जबान को कीमत देकर उन्होंने कीमती समय दिया है बाबे सर अब क्या कहना चाहेंगे क्योंकि अब थोड़ी देर में वो लेड कबीर निर्मल मेमोरियल कप चैंपियन ट्रॉफी में जाने वाले देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहला हक तो मेरा पड़गार उसके परिसर का है लेकिन कहते हैं ना जब थोड़ा बहुत नाम मिलता है थोड़ा बहुत मिला है मुझे तो लोग घेर लेते हैं और हम पड़गा वाले पड़गा कर जबान के शब्द के पक्के हैं मैंने वहां पे जबान दिया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ चेतन से नम्र झाली भूता त्यांनी कोंडीले अनंत असं म्हटलं जातं आणि या ठिकाणी भावे सर यांची नम्रता आपल्या पाहायला मिळते मी सर्वांनी वेखंडे साहेब यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅनेजमेंटची ट्रॉफी प्रदान करायची आहे रुपेश सांबरे आणि सुदर्शन काठोळे यांच्याकडे आम्हाला जोस लाभलेला आहे विकास डोईफोडे यांना विनंती करतोय आपण पुढील मॅनेजमेंटचा ज्यूस आहे तो प्रदान करायचा आहे स्ट्रिंग ही आपण प्रदान करणार आहात जे आम्हाला लाभलेला आहे ओंकार गणेश गागस यांच्याकडनं संदीप कागद यांच्याकडनं पेस्ट्री आणि शैलेश किशोर पाटील यांच्याकडनं कॅप आहे ती डोक्यावर चढवली जाईल मी सन्माननीय सुभाष दादांना विनंती करतोय आपल्या शुभहस्ते ती डोक्यावर चढवायची आहे आणि पेस्ट्री प्रदान करायची त्याचप्रमाणे वॅक्स आहे जे आम्हाला रॉयल सलून कडनं लाभलेलं आहे गणेश शेलार यांच्याकडनं ते प्रदान केले जाते सन्माननीय परशुरामजी गवाळे साहेब यांच्याकडनं पेस्ट्री धन्यवाद तर वळूया आपण सामन्याकडे धन्यवाद भावे सर वेळात वेळ काढून आपण या ठिकाणी आलात अतिशय सुरेख सुंदर मंत्रमुग्ध करणारा हा आवाज आपण ऐकलेला आहे आणि त्याबद्दल धन्यवाद चला खेळ सुरू करायचा आहे यस आदित्य दरम्यान पहिला चेंडू सुरेख चेंडू आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय घराचे दरवाजे उघडे ठेवल्यानंतर दिवसा ढवळ्या सुद्धा चोरी होण्याची शक्यता असते आणि या ठिकाणी घराचे दरवाजे उघडे ठेवले सुदर्शन म्हणतोय अशा पद्धतीनं उघडे ठेवलेले दरवाजे घर उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता माझ्या चेंडूंमध्ये आहे यस क्या कमाल की गेंद की थी ऊपर सुदर्शन काठोलेने देखिए रिप्ले में राइट आर्म मोड़ दी विकेट चले गए थे